सुनंतु आज्ञा सब्सक्राइब करी घंटी बजाई दियंतु जेबे मु ऑनलाइन आसीबी आपनकर फोन रे भी घंटी बाजी जीवो। हेलो एवरीवन, मो मम्मी हांडीशाला को आपन मानन को अनेक अनेक स्वागत। आज आम तैयारी करबा नवरात्रि रा स्पेशल थाली। आपन मानन को पई एही सब रेसिपी निश्चय हेल्पफुल हेबो। एही सब रेसिपी आपन मानन को निश्चय पसंद आसीबो। नवरात्रि रा जे 9 दिन रा फास्ट आपन माने रखी छंती एथि मध्यरु को भी रेसिपी आपन माने तैयारी करी खाई परिबे। वीडियो टी पसंद आसले वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करबा को आदम भूलिबेनि। चलंतु देखी नेबा आज रेसीपी रे आमे कोन सब आइटम तैयारी करी छंती। प्रथम हैला समा चावल रो पुलाव, दही आलू, फ्रूट स्वीट रायता, सागुदाना रा बड़े, धनिया चटनी। प्रथमे आमे तैयारी करिबा समा चावल रो पुलाव। यही समा चावल नवरात्रि व्रत लागि व्यवहार करा जाय थाए। बाकी कोनोसी नॉर्मल चावल यही नवरात्रि रो व्रत रे व्यवहार करा जाय नाही। खूब छोटो दाना वाला ये चावल गोटे अलग प्रकार यही चावल रु बासना भी आसे, खूब भल बासना। गोटे कप नेले चावल, चावल रे पानी दे भल भाव रे धोई नेबा। दुईटा आलू को चोपा छड़ाई काटिकी आमे पानी रे रखी छंती। चावल को धोई चावल रु पानी मध्ये बाहर कर दे छंती। वर्तमान प्यान गरम करिबा। प्यान गरम हेले देबा घी। देसी घी रे पल्लव रो टेस्ट बहुत भल लागी थाए, तेणु आमे देसी घी व्यवहार करी छंती। घी गरम हो जिबा परे सेथिरे देबा आधा चम्मच जीरा। जीरा फुटी गले काटि रखिथिबा आलू को दे देबा। आलू को आमे अल्प संतुलिबा परे कटा कंचा लंका ऐड करिबा। कंचा लंका प्रथम रु घी रे देथिले लंकाटा होचे कोळा हो जाय थांता, तेणु आलू को संतुलिबा परे लंका देले कोण हेबो ना लंकार कलर चेंज हेबोनी, बासना भल रहिबो। एही स्टेज रे ऐड करिबा धोई रखिथिबा चावल को। चावल मध्ये आमर अल्प फुला फुला हे जायछि। चावल दे सारिबा परे व्रत वाला लूनो देबा आधा चम्मच। गोलमरीचर पाउडर आधा चम्मच रु कम देले यहा द्वारा पुलाव रो टेस्ट खूब भल आसिबो। व्रत वाला लूण जेउटा आमे व्यवहार करूछंती ताकु सेंधा लूण कुआ जाय थाए। नवरात्रि व्रत रे ही एही सेंधा लूण को व्यवहार करा जाय थाए। आळु मध्ये आमर अधा सिझि गलाणी। भल भाव रे चावल को घी रे फ्राई करिबा। चावल रे जेमिति खूब भल भाव रे घी रो कोट हिजबो। एमिति कले कोन हेबो ना आमे जो समा चावल रो पलो तयारी करू छंती गोटा गोटा हेबो, आदो चिपचिपा हेबोनी। वर्तमान देबा पानी। गोटे कप चावल नै छंती, दुई कप देबा पानी। पानी दे मिलाई सारिबा परे कभर करि देबा। फुटिबा आरंभ हो गलाणी। लो फ्लेम रे यहाँ को आम 5-7 मिनट जाए कभर कर देबा। यहा द्वारा चाउल आलू भल भाव कुक हो पूरा 7 मिनट पर देखने पलाव रे आदो पानी ना प्यान रे मध्य आदो लगे। भल भाव मिक्स कर देबा। देखि नियंतु परफेक्ट पलाव आमर तैयारी होई, बिल्कुल कहीं का सहित लगिना, बिल्कुल झरा झरा होई। पुलाव आमर तैयारी होगा, यह साइड कर देबे। वर्तमान तैयारी करिबा दही आलू। दही आलू तैयारी करिबा लागि गोटे बाटी नै छथि दही। दहीटा मोटा दही अछि, चामच साजरे फेंटी देबा। दुईटा सिझा आलू नै छथि, आलू को दबाई भांगी देबा। भर्ता करिबानी मोटा मोटा करि बड़ साइज रो रखिबा। प्यान गरम करी प्यान रे देबा घी। घी गरम हेले आधा चम्मच जीरा, कोटा कंचा लंका, गोटे चम्मच धनिया पाउडर, भांगी रखिथिबा सिझा आलू को दे देबा। मसला सहित 2 मिनट पर्यंत आलू को फ्राई करिबा। आलू को 2 मिनट फ्राई करिबा परे आमे एठी गैस बंद करी देबा। आलू को ठंडा हेबा को देबा।
आलु पूरा पूरी भाव थंडा हो गला ये आम आड करिबा आलु रे दही आलु गरम थिबा समय रे दही मिलाइले कौन होना दही फाटी जीव से लगे आलु को थंडा करिबा परे ही आम दही पकेबा दही देइछंती भल कि आलु सहित मिलाई नेबा एठी दे देबा व्रतवाला लुण आधा चम्मच भल भाव मिलाई नेले दही आलु आमर तयारी हेगला प्यान को बाहर करी नेबा आ ऊपर दे देबा किछि धनिया पत्र कटा नेक्स्ट तैयारी करिबा फ्रूट स्वीट रायता दुई कप दही नहीं जेहेतु आमर यही दही दोकान दही अच्छी तेणु मोटा अच्छी दही को अल्प फेंटी नेबा फेंटिबा समय रे दही रे गोटे चम्मच चीनी दे देबा गोटे कथा मन रखिबे फ्रूट स्वीट रायता पाई जो दही आम व्यवहार करिबा से ही दही बेसी खट्टा नहीं दरकार दही रे चीनी दे फेंटी देखते फ्रूट रे आम नहीं आपल कदमी कदमी आपल को छोट छोट साइज रे काटी रखी किवी को चोपा छड़ाई गोल गोल करी काटी रखी कि डालिंबर दाना नहीं प्रथम फेंटा रखि दही में आम केला आपल को देदे आल भाव तल उपर कर मिलने ऊपर दे देवा किवीर स्लाइस पुणी डालिंबर दाना फ्रूट स्वीट रायता आमर रेडी बर्तमान तैयारी करिबा सागुदानार टिकी सागुदाना टिकी लगी गोटे बाटी सागुदाना नहीं चंती भिजा जाइथिबा सागुदाना ये जो सागुदाना आपण माने देखुचंती गोटे घंटा पूर्वर मुझे सागुदाना को धोई सारे भिजाई दे थी पानी दे फुला फुला हो जा भिजा सागुदाना को बड़ बर्तन नेबा जो बर्तन में आम सब जिनस को मिलाइबा को आमको सहज हो दुईटा सीझा आलु नहीं भिजा सगुरे दे भल भाव चकटी देवा एठी आम किसी नहीं चीना बादाम मंजी प्यान गरम करी बादाम मंजी को भाजिबा बादाम रे जो पतला चोपा लगी बादाम भाजवा पर चोपा सहजरे बादाम मंजी रु बाहरी जीव लो फ्लेम रे बादाम मंजी को भाजवा दुई मिनट पर्यंत बादाम मंजी भाजी गला मंजी थंडा होगा पर चोपा बाहर कर देखते यह बेसी चिकना नक दरदरा कर ग्राइंड करे एठी आमे दे दबा चीना बादाम रो ग्राइंड पाउडर को किछि धनिया पत्र कटा गोलमरीचर पाउडर व्रतवाला लुण कटा कंचा लंका किछि छेचिक देइछंती ए सब को देई भल भाव रे मिलाई देबा ये मिक्सर आम हाथ में चिपचिपा ही लग जाऊँ तेणु ये आम कौन करवा अल्प टिके घी हाथ में लगवा आ छोट छोट गुला करदे गुला कर सारापर पुणी चटका चटका तैयारी करनेपर भाव प्यान गरम करिसेंती प्यान रे देबा घी गोटे खास कथा होउची नवरात्र रे आमे जेउ सब आइटम तैयारी करूछंती बिल्कुल देसी घी रे तैयारी करूछंती प्यान रे आमे दे देबा घी घी देला परे घी गरम हो जाइछि एही चटका करी रखिथिबा टिक्की को प्यान रे दे देबा
ओलट पलट करी ब्राउन कलर हेबा जाए भाजिबा। पुणी गोटे चमच देबा घी पूरा पूरी भाव रे ब्राउन हो गले बाहर करी देबा। बर्तमान तैयारी करिबा ब्रतवाला धनिया चटनी। धनिया पत्र को धोइबा परे छोट छोट साइज करके काटिक रखिछंती। ग्राइंडर जार रे दे देबा धनिया पत्र को। कटा कंचा लंका निज हिसाब रे राग करि पारिबे। अधा चामच टू कम जीरा, ब्रतवाला लुण, अधा चामच लेंबु रस आ गोटे चामच पानी दे ग्राइंड करि नेबा। धनिया पत्र को आम ग्राइंड कर सारी चटनी आम रेडी। यहाँ आम बाटर बाहर कर समस्त प्रकार आइटम आम सरी जाए। सागुदानार बड़े धनिया पत्र चटनी, एटा है फ्रूट स्वीट रायता, दही आलु ऊपर देबा धनिया पत्र, एटा है समा चावल रे पुलाव। यही सब रेसीपी देखा जी सुंदर लगुच खावाक बहुत स्वादिष्ट। यही सब आइटम को नवरात्र नौ दिन फास्ट में निश्चय थे ट्राए करतु। यार टेस्ट आपण मैं केमी लगला आम सहित सेयार करूँ। भिडियोटी पसंद आसी लाइक करदे, चैनल को जदि ए जाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे आ बेल बटन को प्रेस करदे। यहाद्वारा आम समस्त भिडियोर नोटिफिकेसन आपंत पाइपर। पुणी मिलवा आउ एक रेसीपी सहित से बाय।